हे गाइस, सो यार क्या हाल चाल है। आई होप कि गाइस आप सब बढ़िया ही होंगे। एंड गाइस, आज आपका गुरु वीडियो लेकर नहीं आया है, आज आपके लिए वीडियो बनाया है गेमर आर्मी ने, यानी कि हार्डी मेलो ने। ये काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे यार बहुत ही कम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि यार इनके चैनल पे ना ही व्यूज़ आते हैं ना ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से यार मतलब ये थोड़ा डीमोटिवेट से हो गए हैं। बट मैंने अभी कहा है इनसे वीडियो बनाने के लिए, तो ये ज़रूर से अब वीडियो बनाना शुरू करेंगे। बस आपको करना क्या है, इनके चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि उनको यार थोड़ा सपोर्ट मिल सके एंड वो फिर से अपने चैनल पर वीडियो डालना शुरू कर दें। ठीक है, तो जाइए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज की ये वाली वीडियो के अंदर हार्डी मेलो आपको बताने वाला है टॉप 5 गेम्स। जी हाँ, टॉप 5 पोकेमोन गेम्स, जो कि भाई 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार गेम्स हैं, जो कि आप लोग को अपने डिवाइसेस में प्ले जरूर से करना चाहिए। एंड चलिए आपको हार्डी मेलो अब आपको अपनी आवाज़ में गेम के बारे में बताएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल से भी मत भूलना यार। सो चलो गाइस, अगली आवाज आरडी मेलो की। तो गाइस, हम लोग के फर्स्ट पोकेमोन गेम का नाम है पोकेमोन मॉन्स्टर कार्बन 3D। ये गेम के जो साइज आप लोग को देखने मिलेगा 830 MB तक। एंड ये जो गेम है आप लोग को एक 2B मोड मतलब इसके अंदर देखने मिलेगा। इस गेम की जो ग्राफिक्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। अब ये गाइस थोड़ा बहुत ओल्ड गेम है, लेकिन यार 2021 में यार ये गेम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जहाँ पे गाइस काफ़ी लोग इसको प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको खेल के एंजॉय कर रहे हैं। ये गाइस एक मल्टीप्लेयर मतलब फाइटिंग गेम है, जहाँ पे गाइस आप लोग मल्टी पोकेमोन ले सकते हो, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 पोकेमोन लेके आप यहाँ पे फाइट कर सकते हो। उसी के साथ गाइस एक मल्टीप्लेयर भी है, जहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ आप लोग इसके अंदर फाइट कर सकते हो। अब ये गेम गाइस ऑनलाइन है। अब इसके अंदर आप लोग को सारे पोकेमोन्स एंड सारे जनरेशंस के पोकेमोन्स भी देखने मिल जाएंगे, और सारे बैचेस से लेके सारे करेक्टर्स भी आप लोग को इस गेम के अंदर देखने मिल जाएंगे। और 2021 में अब ये गेम काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोग भी अब इसको ट्राई करो, मे बी भाई आप लोगों से। तो चलते अपने सेकंड गेम की तरफ। तो गाइस, हम लोग के सेकंड गेम का नाम है पोकेमोन ELF। ये गाइस एक गाइस न्यू गेम है, जो गाइस अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस गेम का साइज आप लोग को गाइस कम ही देखने मिलेगा, लगभग गाइस 140 MB तक आप लोग को ये गेम देखने मिल जाएगा। ये गाइस एक स्टोरी मोड गेम है, उसी के साथ यार एक मल्टीप्लेयर भी गेम है, और इसके अंदर भी आप मल्टी फाइट कर सकते हो, जैसे गाइस पुराना वाला गेम था। सारे फीचर्स इसके अंदर है, लेकिन क्या था कि वो थोड़ा अच्छे ग्राफिक्स में था, ये थोड़ा लो ग्राफिक्स में। लेकिन जहां तक मैंने ये दोनों को प्ले किया, मेरे को इसके अंदर ज्यादा कुछ मतलब देखने नहीं मिला। उसी के साथ यार मोस्ट ऑफ सेम है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो इससे बेटर है। लेकिन आप इसको भी ट्राई कर सकते हो जिसके पास लो डिवाइस है, और जो 1 GB रैम में आप इसको प्ले करना चाहते हो तो आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको सारे मल्टीप्लेयर गेम्स, सारे ऑल विजन, सारे पोकेमोन्स आप लोग को इसके अंदर भी देखने मिल जाएंगे। तो अपने थर्ड गेम की तरफ जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर गाइस आप लोग चैनल पे न्यू हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर डालना। जैसे गाइस मैं कोई भी पोकेमोन की गेम्स या फिर गेम प्ले से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिल जाए। तो गाइस, हम लोग के थर्ड गेम का नाम है पोकेमोन एक्सनोवर्स। ये गाइस थोड़ा इसका अलग सा नाम है, लेकिन ये गेम आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत गाइस ये GB टाइप है, लेकिन आप उसको बिल्कुल उसके जैसा मत समझो। आप लोग को इसकी ग्राफिक्स देखने मिल गई होगी स्क्रीन पे, बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्राफिक्स है, और ऐसे गेम्स अब बहुत लोगों को पसंद आते हैं। अब ये गाइस ऑफलाइन गेम है, इससे पहले जो मैंने आपको दो गेम बताए थे वो ऑनलाइन गेम थे, लेकिन यार ये ऑफलाइन गेम है। अब आप लोग को इसको खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि गाइस मैंने इसको खुद खेला है, मेरे को तो यार ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एंड यार अगर आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास वहाँ पे नेट नहीं है, तो आप इस गेम को प्ले करके एंजॉय कर सकते हो। इसके अंदर गाइस आप लोग को सारे मोड्स देखने मिल जाएंगे, लगभग गाइस इसका जो साइज है 52 MB तक आपको देखने मिल जाएगा। उसी के साथ यार ये काफी अच्छी स्टोरी पे बेस्ट है, और उसी के साथ फुल कलरफुल है, जो मैंने आपको बताया था, बेस्ट ग्राफिक्स एंड नो GBA फीलिंग, आपको GBA टाइप की इसके अंदर फीलिंग नहीं आने वाली है। एंड यार मैं आप लोग को बोलूं, आप लोग इसको ट्राई करो, आप लोग को इसको खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर नहीं आएगा तो यार बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, कि मैं इससे भी अच्छी गेम ला पाऊं आप लोगों के लिए। तो गाइस, हम लोग के फोर्थ गेम का नाम है पोकेमोन क्लॉकवर्क। ये गाइस एक डार्क टाइप गेम है, एंड गाइस ये गेम जो है उसी इम्यूलेटर के अंदर चलने वाला है जो गेम आपको मैंने इससे पहले बताया था। ये भी गेम गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एंड यार इसके अंदर भी आपको कोई भी जीवी वाली फीलिंग देखने नहीं मिलने वाली, थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको डार्क कलर फीलिंग देखने मिलेगा। एंड यार जिसको डार्क टाइप की पोकेमोन वाले गेम्स पसंद है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप लोग इसके अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। मेरा ओपिनियन बोलूं तो गाइस मैंने इसको प्ले तो नहीं किया, लेकिन यार ये गेम की स्टोरी लाइफ गाइस काफी ज्यादा अच्छी है, एंड यार आप लोग को इसको प्ले करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। और अगर आप लोग को ये सारे गेम्स को प्ले करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी के साथ यार नीचे आप लोग को वीडियोस भी
देखने मिल जाएगी इस गेम के ऊपर, जहां पे गाइस आप लोगों को वीडियोस के थ्रू आप इस गेम को आसानी से प्ले कर सकते हो, ये सारे गेम्स। एंड पढ़ते अपने लास्ट सीरीज के गेम के तरफ, आप देखते हो क्या निकल के आता है। एंड गाइस हम लोग के लास्ट सीरीज के गेम का नाम है पोकेमोन प्लेस ऑनलाइन। ये गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल की गेम है, आप लोग गाइस इसके अंदर सारी चीजें कर सकते हो, मतलब की गाइस ये गाइस इसके अंदर बेस्ट ग्राफिक्स तो है। और इस गेम का साइज आप लोग को देखने मिलेगा 500 MB तक। एंड अब उसी के साथ एक मल्टीप्लेयर गेम है जहां पे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट कर सकते हो। एंड अब उसी के साथ आप लोग को इसके अंदर सारे पोकेमोन से लेके सारे रीजंस देखने मिल जाएंगे, सब कुछ गाइस इसके अंदर अच्छा है। और गाइस अगर आप लोग को इसे प्ले करते हो तो गाइस आप लोग को डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। एंड अब इसको आपको एक क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर किसको भी प्रॉब्लम आता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वहां पे मैं आप लोग की थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा। एंड अब उसी के साथ यार आज की वीडियो यहां भी खत्म होती है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना। उसी के साथ यार बस चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर डालना, क्योंकि गाइस मैं यहां पे ऐसी गेम से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।